हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपके अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो लास्ट टॉपिक हमने देखा था वो क्या था? वो था किरचॉफ फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ। आज हम देखने वाले हैं किरचॉफ सेकेंड रूल या सेकेंड लॉ, जिसको हम कहते हैं केवीएलपी। केवीएल क्यों? क्योंकि ये है वोल्टेज के बारे में। उसे मैंने क्या कहा था? केसीएल, क्योंकि वो था करेंट के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कुछ लोगों को लगता है कि कैसे हो आप लोग, कैरिमिनाटी कॉपी है। कुछ को लगता है जो कैसे, चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी। नो डाउट है, मैंने वहीं से लाइन लिया हुआ है, मुझे वो लाइन अच्छी लगती थी, मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी जो अच्छी लगे आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं उसको कॉपी, हाँ कॉपी मतलब एक लाइन है, उनको अच्छा लग रहा था, वो लोगों ने बोला, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला। तो आपको चाहे कॉपी कहना है चाहे जो कहना है वो आपकी मर्जी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, आप सीख रहे हो, तो बस वही बहुत बड़ी बात है। बस खाली क्या है, एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल को क्लिक कर देना। ओके, तो केबीएल इसको मैंने समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है, क्लोज लूप लिया है एक सर्किट का। और यहाँ पे जो आपको ये बहुत सारे बाहर बाहर लाइन दिख रहे हैं ना, तार जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ तो ये जो सारे लाइन है ये क्या है? तो ये इसका मतलब है ये इधर कोई कनेक्शन और है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी वो कनेक्टेड है। उसमें से हमने एक क्लोज लूप लिया हुआ है, तो हम इस क्लोज लूप को कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ ए। तो ए बी सी डी ई एफ ए जो है ये हमने एक क्लोज लूप लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या होगा। तो इस सर्किट के अंदर बेसिकली हमें दिख रहा है आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर और आर फाइव जो है वो रजिस्टर से। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पे करंट को, तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे ये डायरेक्शन में। अभी ने कहना कि सर बैटरी का तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे सर्किट और भी है, तो ये और भी इधर कहीं जुड़ा हुआ होगा, ये भी इधर कहीं जुड़ा हुआ होगा, तो करंट के डायरेक्शन में ऐसे हो सकते हैं, दोनों मिलकर इधर जा सकता है ना, तो कुछ ऐसा सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5 जो है वो फोर के फाइव क्या है रजिस्टर्स है, और दो जो है बीच में सेल जुड़ा हुआ है, तो एक नेटवर्क कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम पहले इसको फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है एज शोन इन द फिगर, इन द फिगर क्या है, देयर is a closed loop, closed loop A B C D E F or F and A, closed loop A is taken, ठीक है, registers R1, R2, R3, R4, R5 are connected in the loop and two cells of terminal voltage epsilon 1 and epsilon 2 is also connected in the loop. ठीक है, इतना है। तो अब यहां पे क्या है, तो ऐसे कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज के कंपेस में जो बात में यानी कि जो एप्सिलॉन में हम जो इंटरनल वोल्टेज है उसको नेगलेक्ट करेंगे, तो हमें पता है कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू आईआर के इक्वल होगा अगर हम स्मॉल आर को नेगलेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ अब यहां पे देखो क्या है। तो हमें इस क्लोज सर्किट को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लोज लूप को हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिया है ए बी सी डी ई एफ ए, तो तुम इसको क्लोज लूप को ए बी सी डी ई एफ एक में ना लेके आप क्या कर सकते हो, उसको ए एफ ई डी सी बी में भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप क्लोज लूप कहीं से भी बनाएं, यानी ए बी सी डी ई एफ बनाएं या ए एफ ई डी ई बी सॉरी सी बी ए बनाएं, तो दोनों ही क्लोज लूप है, तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, सिर्फ कैसा होना चाहिए, सर्किट क्लोज लूप में होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी कि कौन से वाले टर्मिनल में या कौन से पार्ट के अंदर, इसमें कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और हम देखेंगे कहाँ पे वोल्टेज राइज हो रहा है, यानी कहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है और कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि कौन सा लॉ है, वोल्टेज लॉ है, केवीएल है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज की ही बात करेंगे। क्लियर? ओके, तो क्या दिख रहा है नाउ, एज पर फिगर क्या है, इफ वी टेक क्लोज लूप, कौन सा, जैसे मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ ए, अगर हम ये लेते हैं तो क्या होगा, सो देयरफॉर व्हेन वी गो ए टू बी, कहाँ जा रहे हैं हम, ए टू बी। अब देखो, जब मैं ए टू बी जाता हूं तो मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, और हमें पता है कि द करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम वोल्टेज, यानी मैक्सिमम वोल्टेज से मिनिमम की तरफ करंट फ्लो होता है। धारा का प्रभाव कहाँ होता है हमेशा, धारा का प्रभाव हमेशा महत्तम वोल्टेज से न्यूनतम की ओर होगा। द करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग मैक्सिमम टू मिनिमम पोटेंशियल, जब वो मैक्सिमम टू मिनिमम पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है तो अगर मैं उसके अपोजिट में जाऊंगा तो क्या होगा, तो वोल्टेज राइज हो रहा है ना, यानी कि जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो मैं इंक्रीज की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन वी गो ए टू बी द पोटेंशियल या द वोल्टेज वोल्टेज इज राइजिंग इन आर वन, है ना। सो देयरफॉर मैं यहां पे ले सकता हूं वी ए इज इक्वल टू, सपोज की करंट जो है आर वन, लेट द रेस्पेक्टिव करंट इन आर वन इज आई वन, सो देयरफॉर करके हम ले सकते हैं यहां पे वी वन इज इक्वल टू आई वन आर वन। क्लियर? ओके, सो देयरफॉर यहां पे ले लेते हैं हम बी टू सी, डायरेक्ट अभी कर लेते हैं, बार बार लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट देखते हैं बी टू सी। बी टू सी में एक रजिस्टर भी है और एक सेल भी है, तो बी टू सी भी क्या है, रजिस्टर में करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो बी टू सी में क्या होगा, तो बी टू सी में मुझे मिलेगा वी टू इज इक्वल टू आई टू आर टू, क्योंकि सपोज करो कि यहां पे जो करंट है रेस्पेक्टिव करंट वो I2 है और रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है R2 है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, तो मैं इसको ले लेता हूं VBC, तो VBC देखो ले लेते हैं यहाँ पे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, तो मैं सेल में जा रहा हूं पॉजिटिव टू नेगेटिव में, और हमें पता है कि पॉजिटिव का जो वोल्टेज होता है वो हाई होता है और नेगेटिव का जो पोटेंशियल है वो लो होता है, यानी कि पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई और नेगेटिव का लो होगा, यानी हम वापस जा रहे हैं मैक्सिमम टू मिनिमम, तो क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा, है ना। तो क्या है, सो क्या होगा, वी बी सी जो है वो कैसा है, माइनस एप्साइलन है। ठीक है, फिर कैसा है सी टू डी, सी टू डी में क्या हो रहा है, तो C टू D में यहां पे C टू D में एक सेल है, वापस वही है, यानी कि वी सी डी इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन टू। देखो, जब हम C टू D में जा रहे हैं वापस, हम कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो वापस हम जा रहे हैं मैक्सिमम टू मिनिमम, तो हमें फिर से मिला माइनस एप्सिलॉन टू। क्लियर? अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया डी टू E, तो D टू E में तुम क्या कर रहे हो, वापस जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो तुम्हें मिलेगा V3 इज इक्वल टू I3 R3। क्लियर?
फिर हम जा रहे हैं ई टू एफ। सो ई टू एफ में क्या कर रहे हो, तो ई टू एफ में हम फिर से जा रहे हैं अपोजिट में, तो हमें मिलेगा वी फोर इज इक्वल टू आई फोर आर फोर, है ना। फिर हम जा रहे हैं कहां पे, एफ टू, एफ टू ए, ये फाइनल स्टेप है। अब देखो, अब ये हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, और करंट फ्लो होता है मैक्सिमम टू मिनिमम के डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना। तो हमें मिलेगा वी फाइव इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, आई फाइव आर फाइव, क्लियर। ओके, तो हमें ये मिल गया कि ये पूरे सर्किट में कहां कहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी वोल्टेज डिक्रीजिंग के ऑर्डर में है, और कहां कहां पे वोल्टेज इंक्रीजिंग में ऑर्डर में, यानी कि बढ़ रहा है। तो हमें वहां पे सारा मिल गया, डिक्रीजिंग को हमने नेगेटिव में लिया है, इंक्रीजिंग को हमने पॉजिटिव में लिया है। तो हमें क्या मिलेगा, सो देयरफॉर नाउ क्या होगा, नाउ द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेस्पेक्टिव करेंट क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, या हम ले सकते हैं I1 R1 प्लस क्या मिल रहा है, या पूरा लिख लो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस आई फोर आर फोर, माइनस कितना मिल रहा है, आई फाइव आर फाइव, ये मिल रहा है ना। एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल कितना है, तो वो है हम ले लेते हैं वी वन डैश प्लस वी टू डैश, क्योंकि हमने वी वन वी टू पर लिया है, तो हमें मिल रहा है माइनस एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू, ये मिल रहा है। अब देखो, तो इस सर्किट के अंदर, ये क्लोज सर्किट के अंदर, इन सबके पास जो करंट को फ्लो कराने की जो कैपेसिटी है वो ये दो कर रहे हैं इस सर्किट में, तो फिलहाल। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, सो देयरफॉर नाउ क्या मिल जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 माइनस I5 R5 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, यानी मैं इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो क्या मिल रहा है हमें, तो हमें यहां पे कुछ मिल रहा है कि देयरफॉर करके लिख लेते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, है ना, या हम कह सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, यानी कि जो हमने अभी मिला हमें समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एप्सिलॉन, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है यहाँ पे, ये कहलाता है यहाँ पे केवीएल, किरचॉफ्स सेकेंड रूल, या उसे हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या केवीएल, ठीक है। इसका मतलब है
कि इस क्लोज सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा वो कितना मिलेगा, तो समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन, या तुम कह सकते हो कि टोटल जो होगा पोटेंशियल पूरे क्लोज सर्किट में एल्जेब्रिक सम जो होगा वो कितना होगा, वो जीरो होगा, इक्वल टू तुम जीरो कर सकते हो। अगर इसको मैं इधर लाऊं तो उधर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो हो गया ना, तो एल्जेब्रिक सम हो गया पूरे का, और पूरे का एल्जेब्रिक सम कितना है, वो जीरो है। ओके, तो ये सर्किट को जरूरी नहीं कि तुम हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल राइज करके सॉल्व करो, बहुत सिंपल तरीका है साइन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो अगर तुम उसका यूज करते हो तो तुम्हें इजीली क्या होगा, साइन कन्वेंशन का यूज करके तुम आसानी से क्या कर सकते हो, यानी कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो साइन कन्वेंशन यूज करो, यानी कि चिन्ह परिपाटी यूज करो। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है, मैं कैसे लूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं कि कैसे करोगे इसको, कि जो करेंट का डायरेक्शन लो ना, जैसे अभी हमने देखा करंट का डायरेक्शन है तो वोल्टेज राइज है, तो वो भूल जाओ। करंट के डायरेक्शन में IR का जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, वो नेगेटिव। करंट के अपोजिट में IR कैसा होगा, पॉजिटिव। ये याद रखना है हमें, कैसा है लिख लेते हैं कहां पे। तो फर्स्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या होगा, तो IR क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे हम IR को, शॉर्ट में लिख लेते हैं, जगह नहीं है, नेगेटिव, क्लियर। सेकंड है इन द डायरेक्शन ऑफ सॉरी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो हम IR क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये याद रखना, बहुत सिंपल है अब, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड में क्या है, कि सेल में अगर हम कहा जाते हैं, इफ द डायरेक्शन इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो कैसा होगा, एप्साइलन नेगेटिव। और कैसा है, इफ द डायरेक्शन इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो एप्साइलन कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये सिंपल है, देखो माइनस से अगर मैं प्लस से अगर मैं माइनस में जाऊंगा तो माइनस में लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसा जाता हूं माइनस से प्लस जाता हूं तो मैं किस में लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा, बस इतना ही सिंपल तरीका है। और अगर सपोज मैं ऐसा जाऊंगा ये डायरेक्शन में तो इसको लूंगा प्लस में लूंगा यहां पे IR, ठीक है। और अगर सपोज कि मैं ये डायरेक्शन में जाता तो मैं यहां पे क्या लेता, IR को माइनस में, ठीक है। तो ये सिंपल एक तरीका है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। और बाकी जो है हमें डेरिवेशन जो हम देखेंगे सेल का कॉम्बिनेशन है सीरीज एंड पैरेलल में, इसके अलावा हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि KVL का यूज कैसा करना है, ठीक है। तो बाकी वीडियो को देखने के लिए और इसके एग्जांपल्स को समझने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी क्लिक कर देना, ताकि आपको फायदा ये होगा कि जो प्रीमियर के सारे वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे, क्योंकि आपको पता है कि प्रीमियर के वीडियो 30 मिनट्स पहले भी आपको नोटिफिकेशन देंगे अगर आप बेल को क्लिक करते हो तो। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में रहे हुए बेल को भी जरूर क्लिक कर देना, और इसके एग्जांपल्स भी बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। थ्योरेटिकल में हमारा 3 टॉपिक बचा है, हम उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे तो आप देख रहे होंगे कि वीडियो लगभग सारे प्रीमियर में है, 3 टॉपिक को छोड़ के। तो आपको ट्यूजडे में बाकी के ट्यूजडे और वेडनेसडे को बाकी के 3 टॉपिक भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा बाकी पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने मंडे को ही आज यानी मंडे को ही अपलोड किया है सारे वीडियोस को, तो ये सारे प्रीमियर में ही हैं। तो आपको प्रीमियर में ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मेरे ख्याल जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक बाकी के वीडियो भी अपलोड हो चुके होंगे, और न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी शायद तब तक कंप्लीट हो गया होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। सो अभी 3 टॉपिक बचा हमारा, कौन सा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वेस्टर्न ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज का प्रैक्टिकल यूज है मीटर ब्रिज, और लास्ट बच गया है पोटेंशियोमीटर। उसमें भी आपको मैं कंप्लीट डेरिवेशन ऐसे ही थ्योरी के साथ कराऊंगा, ताकि आपका नोट्स कंप्लीट हो। और पता है आपको कि मेरे वीडियोस आपको स्पेशली हेल्प करेंगे आपके JEE, NEET और बोर्ड में।
चाहे आप एनसीईआरटी के अंदर हो या गुजरात स्टेट बोर्ड में। सो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और पता है कि आपको अच्छा लगा तो लाइक तो बनता ही है। नोट करके जरूर जाना, वीडियो को पसंद नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो बनता ही है।